तो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जब मैंने निफ्ट का फॉर्म भरा तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मैं अपना फ़र्स्ट पेपर नहीं दे पाई। फिर देखा कि वहाँ पे, मतलब देखने के लिए गई थी क्योंकि वो निफ्ट कांगड़ा जो है वो मेरे घर से 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे देखा तो सब, मतलब टोटली माहौल बिल्कुल अलग, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे गांव में रहती हूँ, और अगर आप निफ्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि तरह तरह के बच्चे आए होते हैं, मतलब कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, हर तरीके का इंसान आपको देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद हुआ कि ठीक है, एक दो फोकस वो क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया कि निफ्ट में जाना है। तो फिर उसके बाद सोचा कि अच्छा यार, इसमें कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। तो फिर मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गई उस टाइम पे, ये है बात है 2010 की। फिर कोचिंग के लिए जब मैं दिल्ली गई तो देखा कि यार एक सब्जेक्ट है उसके लिए एक घंटे का 1000 मांग रहे थे। फिर मैंने सोचा पेपर क्लियर नहीं भी होगा तो भी घर वालों के पैसे डूब जाएंगे, तो मैंने अपने पापा को कहा कि नहीं, मुझे कोचिंग नहीं लेना, हम वापस चलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने अरिहंत की बुक दी थी, तो फिर उससे मैंने स्टडी की, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निफ्ट क्लियर हो गया था और मेरी रैंक काफ़ी अच्छी थी। अगर मैं टेक्सटाइल चाहती तो मुझे उस टाइम पे निफ्ट मुंबई मिल रहा था, बट मेरे को FD चाहिए था, और चाहिए भी था अपना होम टाउन, क्योंकि उस तरीके का माहौल, अगर मैं एक गाँव में रहती थी और अगर मैं मतलब मुंबई जाती तो शायद से मैं वहाँ पे टिक नहीं पाती ज़्यादा टाइम, कुछ मतलब डिप्रेशन वगैरह में जा सकती थी, क्योंकि कभी मतलब अपने घर के दायरे से मैं बाहर नहीं गई थी। तो फिर मैं निफ्ट कांगड़ा गई और वहाँ पे जाके देखा कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। और पहले साल ऐसा था कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑब्ज़र्व करती आती थी और देखती थी कि यार इनको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने आता है, ये यहाँ से है, यहाँ से है। तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो एक हद तक, बहुत हद तक डाउन जा चुका था। तो ऐसा था, मैं किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी उस टाइम पे, और बस ठीक है, मतलब अपने जो सीनियर है नो डाउट उनको, तो उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करती थी, क्लास में थोड़ा बहुत हो गया, अदरवाइज़ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। तो सूरज सर जो हैं उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया था, बट उन्होंने मेरे को थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो गेस्ट फैकल्टी बन के आए थे। मैं बैच सी में थी और उन्होंने बैच डी वालों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाया था। तो उस टाइम पे ऐसे था कि वो इतना, मतलब इतना काम करवाते थे सर, कि उस क्लास का जो सबसे गंदा वाला बच्चा होगा ना, जो सबसे घटिया बंदा हो, मतलब सॉरी, जिसने सबसे गंदा काम किया होगा, दूसरी क्लास का जो टॉपर होगा उसके लेवल का होगा, मतलब इस लेवल पर सूरज सर ने काम करवाते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सीखी, और फाउंडेशन में नो डाउट बहुत सारा काम होता है, और FD वाले बच्चे जो होते हैं उनकी तो गारमेंट, मतलब गारमेंट स्टिच करते करते ही सुबह हो जाती है, मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आप मतलब गारमेंट स्टिच करते रहते हो, आपके क्लासमेट जो होते हैं वो साथ में, मतलब बातें करते रहते हो, आपकी इतनी सारी असाइनमेंट्स होती हैं बैक टू बैक, और फिर एक टाइम पे ऐसे होता है कि यार हमें असाइनमेंट देनी है, तो ऐसे भाग रहे होते हैं यार चलो, मतलब ऐसा टाइम होता है कि आप दो तीन दिन आराम से सो नहीं पाते हो। अभी आपको जैसे कल सबको लग रहा था कि हम 24 आवर्स जागे हैं, बट ऐसे होता है निफ्ट में कि आप कंटिन्यू बहुत टाइम पे जागते हो। जैसे आपकी अगर डिज़ाइन कलेक्शन है उसका लास्ट टाइम चल रहा है, तब भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और कॉलेज के बाद मैंने कुछ टाइम जॉब किया, और फिर कुछ घर पे फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। फिर दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया, बट मुझे वहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब फिर से मास्टर्स करना है। तो फिर मैं अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रही थी, तो क्योंकि सूरज सर को मैं ऑलरेडी जानती हूँ, तो ऐसा था कि जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर सर कहते टॉप 55 बच्चों में से सिर्फ उन्होंने लेने 11 बच्चे, ड्रीम 11। तो उसमें क्या हुआ कि ठीक है 55 में रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो हो गया, कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद ये था कि यार पता नहीं 55 बच्चे हैं, मतलब इतने सारे बच्चे होंगे, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। जैसे और लोग हैं वो YouTube को देख के सर से मतलब आए हैं, बट मैं ऐसी हूँ कि मेरे को पहले पता था कि सूरज सर कैसे हैं, उन्होंने कैसा काम करवाना है और 11 दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो बेसिकली मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरा NID में जाना ठीक है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है, बट मेरा ये है कि कहीं ना कहीं जो मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल और किस चीज़ें लैक करती थी उन सब चीज़ों को
मतलब उन सब चीज़ों में इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ से यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव किया है। सो एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जो हैं कि हमें कभी कुछ नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आज क्या है। आप हम सब अपनी लाइफ को प्लान करते हैं कि हम 5 साल के बाद कहाँ पे होंगे, पर ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कहाँ पे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए आप सब में से किसी को भी नहीं पता होता। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव।